भाजपा की बालिशता है और लगातार जो उनके षड्यंत्र होते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र, भाजपा और संघी लगातार हमारे देश को जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर बांटने का काम करते हैं। वो हर जगह पे वो ढूंढते रहते हैं कि यहाँ धर्म के नाम बांटा जाए या यहाँ पर जाति के नाम बांटा जाए या प्रदेश के नाम। वास्तविकता कुछ और है। मैं ओबीसी से हूँ, वो भी भारत की ऐसी ओबीसी जिसको घुमंतु जातियाँ जिसको कहते हैं, वो घुमंतु जातियों से हूँ मैं। राहुल जी, मेरे जैसे व्यक्ति को खेतों में या पशुपालन के गाय भैंस चराते हुए व्यक्ति को ढूंढ कर एक ऐसे संगठन का अध्यक्ष बनाते हैं जो आरएसएस से भी बहुत बड़ा संगठन एक समय पे हुआ करता था और आज भी अपनी ऊंची उड़ान भरने की कोशिशों में, तो सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आइडियोलॉजी का, कांग्रेस पार्टी का विचारधारा वाला जो संगठन है उसका अध्यक्ष बनाते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ संघियों को और भाजपियों को, आरएसएस में एक बार तो उसके मुखिया के तौर पे कोई ओबीसी को, कोई दलित को, कोई आदिवासी को, कोई माइनॉरिटी को या महिला को बिठा दीजिए ना, कोशिश तो करिए। अब जब जब भाजपा चुनाव लड़ता है ओबीसी के चेहरे को आगे करता है और चुनाव जीतने के बाद नॉन ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाता है, वो चाहे आप गुजरात ले लो, चाहे आप यूपी ले लो, चाहे आप हरियाणा ले लो, चाहे आप महाराष्ट्र ले लो, हर जगह पे, चाहे आप कर्नाटक ले लो, हर जगह पे, इवन छत्तीसगढ़, 15 साल चुनाव लड़ा ओबीसी के नाम पर, मुख्यमंत्री बनता है कोई और। तो ये भाजपा लगातार, और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ संघियों को, भाजपियों को, भैया आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो संघ की बनी है 49 लोगों की है, वो 49 में से एक महिला हो तो दिखाओ, वो 49 में से एक आदिवासी है तो दिखाओ, उस 49 में एक दलित है तो दिखाओ, उस 49 में एक ओबीसी है तो दिखाओ। तो जहां से आपका निर्णय होता है, नागपुर से, जो आपका जो सब कुछ पर्दे के पीछे से कठपुतलियों का खेल करवाता है, वहां तो ओबीसी को कोई स्थान नहीं है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी देख लीजिएगा, भाजपा का जो मुख्य, जो उनका संगठन का खाका है देश भर का, उसको देख लीजिएगा, इनको अधिकार ही नहीं है ओबीसी की बात करने का।